हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। हम ये जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो पार्टिकल होती है, पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस होता है, तो किस टाइप से उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरी करता है। तो उनको हम इक्वेशन की हेल्प से समझेंगे। जितनी टाइप की मोशन होगी उस मोशन के अंदर, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है तो उस कंडीशन में किस प्रकार की कंडीशंस डेवलप होती है। तो देखिए, इनिशियली हम ये मानते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर ये कोई पार्टिकल है। ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? इट इज मूविंग विद वेलोसिटी स्मॉल यू। क्लियर है? तो पार्टिकल का स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है? स्मॉल यू है। और इस टाइम पे हमने स्टडी स्टार्ट किया तो यहाँ पे जो टाइम का वैल्यू है वो कितना है? 0 सेकेंड। तो टाइम का वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया? 0। और स्पीड जो है इसका, वेलोसिटी है, वो कितना एज्यूम किया? स्मॉल यू। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, और इस पॉइंट के ऊपर हम बात करें तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना एज्यूम किया हमने? v। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u था, आफ्टर सम टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t सेकेंड जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है? स्मॉल v है। क्लियर है? तो यहाँ से इस पॉइंट को मैं कैपिटल a मार्क करता हूँ, और ये जो फाइनल पॉइंट है इसे हमने क्या मार्क किया है? कैपिटल b। तो a से b तक का जो डिस्टेंस है उसको हम, जो ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ ये कितना है? स्मॉल s। और जो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर दिस डिस्टेंस इज स्मॉल t। तो a टू b जो डिस्टेंस कवर किया उसके लिए कितना टाइम इसने लिया है, ये स्मॉल t है। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में किस टाइप से अपन फर्स्ट इक्वेशन को डेवलप करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि सर ये वाई एक्सिस जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंडीशन में? ये हमने एज्यूम किया कि ये वेलोसिटी एक्सिस है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस। क्लियर? स्टार्टिंग यहां पर वैल्यू कितना है टाइम का? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। और 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो कितना है? स्मॉल u है। तो हमने यहां पर पॉइंट मार्क किया कि सर इनिशियल कंडीशन में टाइम, ये वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो कितना है? u है। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीज एंड एट टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t द वेलोसिटी इज बिकम स्मॉल v। तो टाइम का वैल्यू इस पॉइंट पे हमने मार्क किया कि सर यहाँ टाइम कितना है? स्मॉल t है। और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया? स्मॉल v हो गया। क्लियर है? अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम बात करें तो जो इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। रीजन क्या है कि सर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट है ए टू बी। यहाँ पर ए का जो वैल्यू है उसकी हम बात करेंगे एंड एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट इन दिस कंडीशन। तो ए टू बी जब पार्टिकल मूव कर रहा है उस कंडीशन में एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। और यहाँ पर जो वेरिएशन आएगा ये कुछ इस टाइप से आएगा, ए टू बी जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी इनिशियल u से कितना हो गया? v हो गया। और कितना टाइम लिया इसने? सर यहाँ पे टाइम जो है वो स्मॉल t लिया गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सर इस कंडीशन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वो कितना होगा? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं, कौन सा? एक्सेलरेशन का। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? 9th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आते हैं कि सर एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। वेलोसिटी के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंजेज हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्मॉल a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
ओके तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और टाइम में कितना चेंज हुआ, क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ v, इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम कितना हुआ t। तो चेंजेस देख सकते हैं अपन, क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितना है v, तो v में से इनिशियल वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें और टाइम फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो अपने पास इक्वेशन आता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्मॉल a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t माइनस 0, क्लियर है। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि सर इसको अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास कुछ इक्वेशन बन सकता है, उसको देखते हैं कि क्या वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है या कुछ डिफरेंट वैल्यू बनता है। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमने कवर किया है कि सर स्टार्टिंग में एक पार्टिकल था, पार्टिकल का इनिशियल वैल्यू यू था, द स्पीड ऑफ द इनिशियल, तो इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल यू, आफ्टर टाइम स्मॉल टी, द स्पीड इज इंक्रीज एंड द स्पीड इज स्मॉल वी, क्लियर है। द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर बाई द पार्टिकल इन टाइम स्मॉल टी इज स्मॉलेस, ओके। फिर हमने वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो अपने पास जो ग्राफ है वो कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पर हमने पॉइंट मार्क किया और टी स्मॉल टी टाइम के ऊपर हमने पॉइंट मार्क किया, दोनों पॉइंट्स को हमने मैच किया, तो अपने पास क्या आता है, एक ग्राफ आता है, क्लियर है। अब देखिए आगे हम इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं, हाँ जी, तो हमने लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्मॉल a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t माइनस 0, क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन बनता है स्मॉल a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये t जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, ए टी इज इक्वल टू v माइनस u। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसको इधर लेके आएंगे तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव, तो इसको लिखा जा सकता है u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, और इसको रीअरेंज करें तो इक्वेशन बन सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमने लिखा है, इक्वेशन हमने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब ये जो टर्म हमने लिखी है यहाँ पर v किसको रिप्रेजेंट करता है, u किसको रिप्रेजेंट करता है, a का मतलब क्या है, t का मतलब क्या है, ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, हर एक सिंबल का मीन आपको पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि सर v जो है, इन दिस कंडीशन v इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड स्मॉल u इज इक्वल टू, ये इनिशियल कंडीशन को बताता है, तो क्या लिखेंगे, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल स्मॉल a इज रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और t किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम टेकन by the particle from initial position to final position, तो ये हो गया time taken by the particle from initial point to final point, clear है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको डेवलप किया, उसके अंदर जो जो टर्म है जैसे कि v है, u है, a है और t है, इनको हमने इंडिकेट किया कि v किसको बताता है, u किसे बता रहा है, a का मतलब क्या है, t किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक वैल्यू को हमने अलग से रिप्रेजेंट किया है, ग्राफ हमने बनाया है। अब नंबर आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम किस प्रकार से डेराइव करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है, हम ये जानते हैं कि जब वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस की हम बात करते हैं इस कंडीशन में जो एरिया होता है, तो देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट किया, इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, और इसका जो यूज़ है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर इसको यूज़ में ले सकते हैं। धन्यवाद।